देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से शुरू हुई कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा आंध्र प्रदेश से 44वें दिन एक बार फिर कर्नाटक के रायचूर जिले में प्रवेश कर गई है। कांग्रेस के कर्नाटक प्रदेश के अध्यक्ष डी के शिव कुमार समेत कई अन्य नेता राहुल गांधी की इस पदयात्रा में उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हुए दिखे। राहुल गांधी इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान यात्रा मार्ग में विभिन्न वर्गों के लोगों से विशेष अंदाज में मिल रहे हैं। छोटे बच्चों विशेषकर बच्चियों को अपनी गोद में उठाकर दुलार कर रहे हैं। कहीं कहीं तो वे नन्ही बच्चियों को अपने सिर पर भी बिठाकर वहां मौजूद लोगों को ये संदेश दे रहे हैं कि बेटियों को सिर आंखों पर रखो। उनके इस अंदाज से वे वहां मौजूद असंख्य लोगों का दिल जीत रहे हैं। कुछ बच्चों को टॉफियां बांटकर और कुछ वृद्ध महिलाओं के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लेकर वो सभी का मन मोह रहे हैं। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, धर्म और जाति की राजनीति जैसे मुद्दों के खिलाफ शुरू की गई भारत जोड़ो यात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरकर 3,570 किलोमीटर की पदयात्रा करने के पश्चात 150 दिनों में कश्मीर पहुंचेगी। इस भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ कांग्रेस से जुड़े 87 कर्मठ कार्यकर्ता और 32 संघर्षशील महिलाएं उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। इन 119 समर्पित कार्यकर्ताओं में हरियाणा प्रदेश के 9 युवा भी शामिल हैं। अब तक की यात्रा मार्ग पर विभिन्न राज्यों और नगरों के सभी वर्ग के लोगों की ओर से मिले अपार जन समर्थन से राहुल गांधी का हौसला सातवें आसमान पर पहुंचा दिखाई दे रहा है। 44 दिन की पदयात्रा कर लेने के बावजूद वे अंथक संघर्ष को जारी रखकर देश विदेश के असंख्य युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनते दिखाई दे रहे हैं। कर्नाटक से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।